हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एंड टू न्यू रामसर साइट्स। जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये सेकंड फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे टू न्यू रामसर साइट्स जो इंक्लूड किए गए हैं इस साल, सेकंड फेब 2022 को, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट, जो वेटलैंड डे था इस साल का, वो सेलिब्रेट किया गया है एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। टू मोर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस टेक रामसर साइट्स टू नंबर 49। अब कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में? 49। ये दो मिला के जो इस साल इंक्लूड किए गए हैं, उन दो को मिला के 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में एज सेकेंड फेब 2022। इस साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस जो रिलीज़ किया गया है इस साल, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस कब रिलीज़ किया गया है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो की ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली जो वेटलैंड मनाया गया है सेकेंड फेब 2022 अक्रॉस ग्लोब ऑन द ओकेजन नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज, जो मैंने अभी बताया है, जो प्रिपेयर्ड किया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ इसरो, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, मेजर सेंटर्स ऑफ इसरो, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा रिलीज़ किया गया है नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस। अब हम देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है सेकंड फेब ऑल ओवर वर्ल्ड। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट वेटल रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड आवर प्लानट। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। सेकंड फेब 1971 में जो कन्वेंशन अडॉप्ट की गई है ईरानियन सिटी रामसर में। जो ये रामसर है, ये कहाँ पे है? ईरान में है, एक सिटी है वहाँ पे ये कन्वेंशन की गई सेकंड फेब 1971 में, इसलिए सेकंड फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। दिस ईयर्स थीम, जो इस साल की थीम थी 2022 की थीम जो थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इस साल की थीम थी 2022, विच हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस ऑफ इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमंस एंड प्लेनेटरी हेल्थ। वाई इज़ द डे सेलिब्रेटेड सेकेंड फेब? सेकेंड फेब ये क्यों मनाया जाता है, जो भी मैंने पहले स्लाइड में थोड़ा सा बताया है, क्योंकि जो द डे मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड सेकेंड फेब 1971 में जो कन्वेंशन किए गए हैं, इसलिए सेकेंड फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ये इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। द कंट्रीज विद मोस्ट रामसर साइट्स, कौन सी कंट्री हैं जिसके सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? वो हैं यूके। यूके में 175 रामसर साइट्स हैं, और जो इंडिया है, इंडिया में है अब 49 रामसर साइट्स, जो इस साल दो न्यू जो रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए उनको मिला के 49 साइट्स हैं अब इंडिया में। लार्जेस्ट किस में? यूके में 175, मैक्सिको में है सेकंड 142 एज पर द रामसर लिस्ट। बोलोविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन। इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1997 में ये पहले सेलिब्रेट किया गया। थीम फॉर 2022 वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, जो अभी बताया इस साल की थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। टू न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, जो न्यू साइट्स हैं इस साल की, न्यू रामसर साइट्स हैं वो हैं खिजीदिया
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, और नेक्स्ट जो है वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी, ये दो इस साल की नई रामसर साइट्स हैं इंडिया में। स्टेटस ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया जो है, इंडिया का जो टोटल नेटवर्क है 49 रामसर साइट्स हैं अब ये दो मिला के, जो इस साल सेकंड फेब को इंक्लूड किया गया है, सेकंड फेब को इन दो रामसर साइट्स को। टोटल जो एरिया है वेटलैंड का वो है 10,93,636 हेक्टर्स जो एरिया है वेटलैंड्स का इन साउथ एशिया, द हाइस्ट इन साउथ एशिया जो इंडिया का है एरिया जो है वो हाइस्ट इन साउथ एशिया है। ये दो न्यू वेटलैंड रामसर साइट्स हैं इंडिया में, इनको आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कौन सी वेटलैंड न्यू वेटलैंड साइट्स रामसर साइट्स जो इंक्लूड किए गए हैं इंडिया में। तो इस साल सेकंड फेब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के दिन बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी जो अभी बताया मैंने, प्रोवाइड्स अ सेफ वेंटरिंग एंड स्टैगिंग ग्राउंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। वाइल्ड खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात इज़ अ कोस्टल वेटलैंड, एक कोस्टल वेटलैंड है विद रिच एविफ्लोरा डाइवर्सिटी प्रोवाइडिंग सेफ हैबिटेट टू एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज। जो एक खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात है, ये कोस्टल वेटलैंड है जो सेफ हैबिटेट है किन के लिए, एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज के लिए, वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है ये पिक्चर, आप देख सकते हैं एज ऑन फेब 2022 इंडिया की जो रामसर साइट है वो 49 है, जो वेटलैंड डे सेकंड फेब 2022 को मनाया गया है वेटलैंड। तो एज ऑन फेब 2022 49 जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में, रामसर वेटलैंड साइट्स, वो यहाँ पे दी गई हैं। आप इनका इसका स्क्रीनशॉट उठाइए और ये नोट करिए, इसका ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी है, साइट लोकेशन भी है, किस स्टेट में क्या क्या है। हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के थ्रू बता दें कौन कौन से हैं, वलोर लेक हैं जम्मू कश्मीर में, जो 1990 में डिक्लेयर हुई थी वेटलैंड रामसर साइट, और हैं हकेरा वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर में है 2005 में, सरनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर है 2005 में, और सोमरारी लेक जो है जम्मू कश्मीर ये हैं 2002 में। ये हैं 49th वेटलैंड जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट में क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। तो ये चार्ट मैप है इसका, किस किस यहाँ पे भी दिए गए हैं 49 जो लेटेस्ट हैं रामसर साइट्स इंडिया में, वो यहाँ पे दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।